मऊ जिले के रेलवे स्टेशन, रोडवेज परिसर, जिला चिकित्सालय और तमाम शहर के सार्वजनिक स्थलों पर ठंड पर रात में रियलिटी चेक किया तो सभी जगहों पर जिला प्रशासन की व्यवस्था नदारद दिखी। चाहे वो रोडवेज परिसर हो जहां यात्री अपने संसाधन जैसे कंबल या चद्दर में लिपटे हुए दिखाई पड़े, कुछ तो कुर्सियों पर सिर झुकाए दिखाई पड़े तो कुछ जमीन पर सो रहे थे, लेकिन रोडवेज परिसर में कहीं भी अलाव की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। यात्रियों से पूछा तो उन्हें दूर तक सफर तय करना था लेकिन सरकारी व्यवस्था पर लापरवाही का आरोप लगाया। बाबू पद रहा है यहाँ रोडवेज परिसर में यात्रियों, जो यात्री रुके हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधा है इस ठंड रात में? नहीं, इसमें तो यहाँ कोई रैन बैसर है, कोई व्यवस्था नहीं हुई है न तो फिलहाल अभी अलावा व्यवस्था भी कोई बात इसे नहीं हुई है। लेकिन सीएम साहब ने आदेश जारी कर दिया है कल ही का कि हर जगह पे तमाम जगहों पे सुविधाएं होनी चाहिए यात्रियों के लिए, या जो भी रैन बसेरा हो उसको खोल दिया जाए और अलाव की व्यवस्था की जाए, ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये तो बस वही बता सकते हैं, सुबह आएंगे मान होगा आप बताएंगे आप क्या करना हो क्या नहीं। लेकिन फिलहाल मऊ रेलवे मऊ रोडवेज परिसर में कोई व्यवस्था नहीं, अभी तो कोई व्यवस्था आप खुद देख सकते हैं, आप यहाँ आए हैं मौजूद देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोई अलाव कहीं जल रहा हो तो हम क्या बताएं, तो इसे बता दें अलाव जल रहा है नहीं जल रहा, कहीं नहीं जल रहा है, कहीं नहीं जल रहा, हाँ कहीं दिखाई दे रहा आप वहीं बगल में। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिखी। इसके अलावा जिला चिकित्सालय में बने रैन बसेरे में भी किसी काम का नहीं दिखा क्योंकि यहां पर ताला लटका हुआ दिखाई पड़ा। यहां कोई दिक्कत आपको? क्या है? दिक्कत क्या है? रजाई सही मिली है? नहीं है। कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही? ठीक ठाक व्यवस्था है जी, और अच्छा चलाते हैं। हालांकि मऊ नगर पालिका प्रशासन की तरफ से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था एक जगह देखने को मिला जहां सड़क किनारे लखनऊ बलिया हाईवे के शहादतपुरा मोहल्ले में रैन बसेरा दिखाई पड़ा जहां एक नगर पालिका का कर्मचारी तैनात था, उसके बाहर अलाव जलता हुआ दिखाई पड़ा। रैन बसेरे के अंदर चार लोग सोए दिखाई पड़े। इसके अलावा रैन बसेरे में नगर पालिका का सलीम सफाई कर्मचारी दिख रहा था, उसके पास नगर पालिका का एक रजिस्टर था जिसमें रैन बसेरे में रुकने वाले व्यक्ति के बारे में उसका नाम पता, किस काम से यहाँ, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, उसका मोबाइल नंबर एंट्री करना था। शुरुआत में गद्दा रजाई बिछा हुआ है कि आम आदमी कोई भी ठंडा पला में आवे, अपना आराम से सुबह सुबह चले जाए। रजिस्टर हमारे पास है, उनका नाम काम लिखते हैं, कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, यही सब अपना लिखते हैं, अपना दे देते हैं रजाई, सब अपना लोग सोते हैं। ठंड में वही है कि तो लकड़ी को सब जल रही है, सब रात भर लकड़ी जलेगी, मान चले आदमी आगे तापे मान चले सोए, यही व्यवस्था है नगर पालिका की तरफ से जी। हमारी ड्यूटी नहीं देखिए, जब तक नगर पालिका जी जब तक चलेगा ये ट्रेन पर तब तक लकड़ी गिरती रहेगी शाम को शाम, जिससे अगर किसी कारणवश उसके साथ कोई घटना हो तो उसकी जानकारी उसके परिजनों तक तत्काल पहुंचाई जाए। हालांकि नगर पालिका का ये कदम सराहनीय है और दूसरों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।